अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। यकीनन इस्लाम दीन का हर पहलू एक ऐसा पहलू होता है जिसे देखकर एक इंसान जान सकता है, समझ सकता है कि ये रब्बुल आलमीन इंसानों के मालिक पालनहार की बताई हुई रहनुमाई के तहत चलने वाला दीन और मज़हब है, और जिसकी सारी चीज़ें उसकी हिकमत और उसकी विजडम ऊपर वाले हमारे मालिक पालनहार की हिकमत और विजडम की तरफ से आई है। तो आइए आज हम मस्जिद के सिस्टम जो इस्लाम के अंदर है उसके ताल्लुक से चंद बातें देखें कि ये मस्जिद के सिस्टम में कितनी खूबसूरत चीज़ें मिलती है सारे इंसानों के भलाई के लिए, इंसानी माशरे के सुधार के लिए। आइए मैं उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इबादत जो असल मकसद है मस्जिदों का, वो है इबादत, नमाज, वो है अल्लाह की याद, जिक्र, कुरान की तिलावत। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उभारा मस्जिद के ताल्लुक से कि मस्जिद जो बनाता है जो शख्स, तो अल्लाह ताला उसके लिए वैसा ही घर जन्नत में बनाएगा। तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मस्जिद के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इंशाल्लाह क्यों इतनी बड़ी फजीलत मिलती है कि मस्जिद अगर कोई बनाता है तो उसे वैसा ही घर जन्नत में मिलेगा। तो हमने देखा सबसे पहली चीज़, और इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस में बताया कि मस्जिदें जो है ये तो अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज के लिए, जिक्र के लिए। और हम देखते हैं एक और बड़ी चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ओपनिंग कमेंट्स में भी बात आई है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो बगैर पोस्टर के, बगैर पैम्फलेट के, बगैर इन्विटेशन कार्ड के हम देखते हैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस जमा होती है पाबंदी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, जुमा के दिन, जो जुमा खुतबे के अंदर जो उस हफ्ते की एक जनरल एडवाइस लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, उनको बताया जा सकता है, उन्हें बेदार किया जा सकता है, उन्हें अवेयर किया जा सकता है, उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास दिया जा सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें ज़िंदगी का मकसद याद दिलाया जा सकता है। क्योंकि जैसे मोबाइल का चार्ज आउट हो जाता है तो हम सबको भी जानना चाहिए कि हमारे भी ज़िंदगी के अंदर हमें रिचार्ज की ज़रूरत होती है। तो वो रिचार्ज सेशन होता है हफ्ते में एक इंटेंस रिचार्ज सेशन, और वो है जुमा खुतबा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ताल्लुक से जो उभारा जुमा खुतबे के ताल्लुक से। एक और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि बच्चों के लिए इस्लामिक एजुकेशन का एक सेंटर है, बल्कि सिर्फ बच्चे नहीं है बल्कि बड़ों के लिए भी, लेकिन एक मकतब का सिस्टम हम देखते हैं कई मस्जिदों में चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मस्जिदों के अंदर ये बच्चे, जो छोटे बच्चे जो अपना बचपन एक बार जी रहे हैं और एक ही बार जियेंगे, लेकिन उनके लिए इस्लामिक एजुकेशन का इंतज़ाम हो। चौथी चीज़ हम देखते हैं, और सही बात यह है कि औरतों के लिए स्पेशल फैसिलिटी हम देखते हैं कि रहे और स्पेशल इंतज़ाम रहे। आप देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनाउ निसा अकमुल मसाजिदा, के तुम्हारी औरतों को मस्जिदों से मत रोको। इज़स्ताज़न्नकुम इलैहा, जब वो तुमसे इजाज़त मांगे मस्जिद जाने की, तो इजाज़त मांगे तो उन्हें रोको मत तुम्हारी औरतों को, यानी तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी बेटियों को, उन्हें मत रोको जिन पर तुम जिम्मेदार हो, उन्हें मत रुको मस्जिद जाने से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया ला तमनाउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में जाने से मत रुको। हम ये देखते हैं कि इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आज अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में एहसास बढ़ रहा है। और सही बात तो यह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, उसके अंदर औरतों का इंतज़ाम था, और सहाबा इकराम के ज़माने में औरतों का इंतज़ाम था। आज भी माशाल्लाह आप देखोगे मस्जिद हरम है, मस्जिद नबवी है, ये सब में औरतों का इंतज़ाम है। और इंडिया में भी ऐसी सैकड़ों मस्जिदें, हंड्रेड्स, जिसके अंदर औरतों का इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह आज है। आज अवेयरनेस बढ़ रही है, यहाँ तक आके आप यहाँ ये भी देखोगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट में बताया कि इस्लाम के अंदर मस्जिदों में एंट्री औरतों की हो, और बल्कि बोर्ड ने अपील किया कि जो नई मस्जिदें बन रही है वहाँ पर एक अप्रोप्रिएट प्लेस औरतों के लिए भी रखी जाए ताकि औरतों के लिए इंतज़ाम रहे। क्यों? क्योंकि ये हमारी औरतें जो है ना, ये माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब वो मस्जिद में आएंगी तो मस्जिद में खुतबा सुनेंगी, दर्स सुनेंगी, सीखेंगी, उसकी वजह से उनके अंदर एक सुधार पैदा होगा, एक करेक्शन पैदा होगा, और वो सुधर गई तो अगली जनरेशन सुधर जाएगी, अगली जनरेशन में सुधार आ जाएगा। एक और चीज़ मस्जिद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं मस्जिद का रोल क्यों बता रहा हूँ, कोई कहे कि भाई मस्जिद के जिम्मेदारों की बात हो रही है, ये बताने में मेरा मकसद ये है कि कैनवस कितना बड़ा है। मैं बताऊँ कि बाज़ लोग ये समझते हैं मस्जिद यानी सिर्फ नमाज, तो हाँ नमाज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुतबा कितना अहम है, औरतों का इंतज़ाम कितना अहम है, बच्चों की तालीम कितनी अहम है, और क्या क्या चीज़ें इतनी अहम हैं ताकि जिम्मेदारों को ये पता चले कि ये सारी चीज़ें मस्जिदों में शामिल हैं। जो मस्जिद में शामिल है और शामिल होने की वजह से उन्हें ये चीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, मुतवज्जे होना चाहिए, इसकी तरफ
अलर्ट रहना चाहिए, और सिर्फ जिम्मेदार नहीं बल्कि अवाम के अंदर हर कोई इसका एक हिस्सा है कि एक पॉजिटिव माहौल में तरीके से कोई मशवरा हो, आप जहाँ अपने एरिया के मस्जिद, अपने एरिया के जिम्मेदारान, मस्जिदों के जिम्मेदारान, इमामों तक जरूर पहुंचाएं कि ये चीज़ हमारी मस्जिद में क्यों नहीं हो सकती, हमारी मस्जिद में ये बात क्यों नहीं हो सकती। तो एक और चीज़ जो है वो है, बाज़ लोग गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते हैं। तो मस्जिद के जो इमाम है वो जो अवाम के अंदर एक नॉलेजेबल पर्सन हो, उनकी एक और जिम्मेदारी है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। तो एक ऐसा सोर्स मस्जिद के जरिए अवेलेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये चीज़ और बेहतर होनी चाहिए कि मस्जिद के इमामों को अवेयर नॉलेजेबल होना चाहिए, और बल्कि दूसरे हायर उलमा से कनेक्टेड हों ताकि कोई चीज़ अगर उन तक आए जो उन्हें नहीं पता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद रिसर्च करके चेक करके बता सकें और लोगों की रहनुमाई कर सकें। एक और बहुत बड़ा रोल जो मस्जिद प्ले कर सकता है वो है, आज जो हम देख रहे हैं कि फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के अंदर जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो लोग बदतरीन किस्म के अखलाक पर उतर आते हैं, बदतरीन बिहेवियर। कितने सारे पुलिस स्टेशन में केसेस फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, कितने सारे हम देखते हैं कोर्ट्स के अंदर फैमिली चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है, अगर मस्जिद अपना रोल एक अच्छी तरह से प्ले करे कि मस्जिद के जो इमाम है उनका ये भी रोल है कि वो सोसाइटी को गाइड करें। पुलिस का कितना प्रेशर कम हो सकता है, कोर्ट्स का कितना प्रेशर कम हो सकता है अगर सोसाइटी की मस्जिद इस चीज़ में अपने आप को इक्विप करें कि लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, दोनों तरफ की बातें सुनकर सुलझाया जाए, बातें समझाई जाए, और बहुत सारे डिस्प्यूट्स इसी तरह से सॉल्व हो सकते हैं। कितने सारे फैमिलीज को उजड़ने से बचाया जा सकता है, ब्रेकअप से बचाया जा सकता है सिर्फ एक सिंपल अच्छी काउंसलिंग के जरिए। तो ये मस्जिदों को ये रोल प्ले करना चाहिए। एक और चीज़, एडवांस नॉलेज, क्योंकि इस्लाम की एडवांस इंफॉर्मेशन और नॉलेज भी होनी चाहिए, एडवांस नॉलेज वाले लोग होने चाहिए जो हमारे माशरे के अंदर डेवलप हो। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मदरसों में जाने का मौका नहीं मिला लेकिन उनके अंदर एक डिजायर होता है, चाहत होती है कि वो इस्लाम का इल्म हासिल करें, दीन का इल्म हासिल करें। तो मस्जिदों के अंदर ऐसे इस्लामिक लेक्चर्स, कोर्सेज, इसका इंतजाम होना चाहिए ताकि एडवांस नॉलेज हासिल करें। इसकी बेसिस हमारे पास है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ाई लेकिन हम देखते हैं एक सिस्टम कायम किया कि असहाबुस सुफ्फा ऐसे लोग थे जो बेंच पर रहते थे और कम के साथ गुजारा किया करते थे लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, नॉलेज हासिल करते थे, और ऐसे लोग आगे के ज़माने के बहुत बड़े स्कॉलर्स बने। इनके ने एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है जिन्होंने इतनी सारी हदीसें बयान की क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दिन रात वो सीखते और मस्जिद थी वो जरिया। तो मस्जिद को जरिया बनाए एडवांस नॉलेज के लिए भी कि भाई कोई हो जो बेसिक तक रहेगा तो कोई बात नहीं लेकिन किसी के अंदर डिजायर हो, चाहत हो कि वो आगे बढ़े तो ऐसा भी इंतजाम होना चाहिए और जिम्मेदारान को इसकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। अगली चीज, इज्तिमा के एक चीज होती है आपने जो एक हफ्तावारी दर्स हो, कोई कोर्स हो, लेकिन एक चीज ऐसी भी होती है कि साल में कुछ ऐसे मौके हो जिसके अंदर पूरी ताकत लगा करके ऐसा इज्तिमा भी रखा जाए मस्जिद के अंदर, लोगों को खास बुलाया जाए, मस्जिद के अंदर इन्वाइट किया जाए, ऐसे भी लोग उसके अंदर आए जो इतने कनेक्टेड नहीं है उनको भी दावत दी जाए, वो लोग भी आए और इज्तिमा के जरिए ऐसे अनकनेक्टेड लोगों को भी इंफॉर्मेशन दी जाए, दावत दी जाए। तो ये मस्जिद वो मरकज है, वो सेंटर है। एक और चीज, नॉन मुस्लिम्स को भी इंफॉर्मेशन देने का जरिया है मस्जिद। जी हाँ, बाज़ लोग ये चीज में समझते नहीं, मस्जिद में नॉन मुस्लिम्स नहीं आ सकते, हालांकि सही बात क्या है कि मस्जिद में खुद कोई और नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकीफ से आए हुए जो डेलीगेशन था वो डेलीगेशन से बात की तो कहां बात की, आप देखोगे मस्जिद में बैठकर बात की नॉन मुस्लिम से, और नजरान से जो ईसाई आए थे, क्रिश्चियंस आए थे, उनसे कहां बात की, मस्जिद में बैठकर बात की। सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत बड़ी मिसाल है कि जब वो एक नॉन मुस्लिम कैदी के तौर पर पकड़े गए थे तो उनको बांध करके मस्जिद में रखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो एक बहुत बड़े जालिम एक टाइप के टेररिस्ट किस्म के इंसान थे लेकिन उनको मस्जिद में बांध के रखा कि मस्जिद में देखेंगे माहौल को, और देख करके हम देखते हैं कि उन्होंने उस चीज़ को देखा और खुद उन्होंने ये प्रैक्टिकल इस्लाम देख करके इस्लाम भी कबूल किया। तो मस्जिदों में ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि कोई नॉन मुस्लिम भी आ सके, जी हाँ नॉन मुस्लिम आ सके, बात कर सके, पूछ सके। हमें ये चीज़ के अंदर वेलकम मैसेज पहुँचाना पड़ेगा क्योंकि हकीकत क्या है कि नॉन मुस्लिम्स के ताल्लुक से जो नजस वाली कुरान की आयत है कि इन्नल मुशरिकीन कूना नजसुन, के मुशरिक नजस है, नजस है यानी कि इम्प्योर है, उसके अंदर जिस्मी इम्प्योरिटी की बात नहीं हो रही, उसके अंदर उनके अकीदा, उनका बिलीफ, जो चीज़ वो मानते हैं वो नजस है, वो उसकी नापाकी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मस्जिद में बुलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पकाया हुआ खाना खाया,
तो हम देखते हैं उनके दिए हुए हदिया कबूल की, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इससे पता चलता है वो हिस्सी और जिस्मी नजासत की बात नहीं हो रही। तो ये बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हर मस्जिद के अंदर ऐसी भी फैसिलिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसे वेलकम बोर्ड्स लगाए जाए कि ये टाइम है जिसके अंदर नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और कोई ऐसा नॉलेजेबल पर्सन हो, मस्जिद के इमाम हो या कुछ और लोग हों, वो वहाँ उन्हें जिम्मेदारी दी जाए कि आप यहाँ बैठकर इंफॉर्मेशन देंगे, मालूमात देंगे, क्योंकि आज ये जरूरी हो चुका है। जिस तरह से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है, दूसरी कम्युनिटीज़ में नफरतें फैलाई जा रही हैं, तो कम्युनिटी की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो अल्लाह ताला ने दिया है और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, उस चीज़ का इस्तेमाल करें और इंफॉर्मेशन सही मालूमात पहुँचाएं, जैसे पैम्फलेट्स के जरिए। बाहर बोर्ड लगाया जा सकता है, बाहर वर्ड्स ऑफ द डे, आयत ऑफ द डे बताया जा सकती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन है, टेक वन लिख दो, और मेरा खुद का तजुर्बा है सिर्फ टेक वन लिख दो और पैम्फलेट का स्टैंड लगा दो, पूरा स्टैंड खाली होता है। और ऐसे लोग लेते हैं जिनको खुद दिलचस्पी पढ़ने की, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप किसी के हाथ में दे रहे हो, वो खुद जो टेक वन के बाद लेते हैं ना, वो खुद ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सब चीज़ें की जा सकती है मस्जिद के अंदर, मस्जिद के जरिए। एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि जो लोग गरीब हैं, मिस्कीन हैं, तकलीफ ज़दा है, अब इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल बेगर्स भी होते हैं, और प्रोफेशनल बेगर्स की वजह से जो सचमुच जरूरतमंद है उन तक चीजें पहुंचती नहीं। तो मस्जिद एक रोल प्ले कर सकता है, बैतुल माल कायम किया जा सकता है, छोटे से शुरुआत करिए, लेकिन कर सकते हैं। आपके एरिया में कौन जरूरतमंद है, कितने बेगर्स हैं, बेगर्स से बात करो कि भाई हम चाहते हैं कि आप सड़कों पर इस तरह से नहीं मांगो, गेट ऑफ द स्ट्रीट, आपकी क्या जरूरत है बताओ ना हमें, हम मस्जिद के जरिए आपकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, और कंटिन्यूसली सड़कों पे होते हैं, अब आप देखते हो इस्लाम का क्या क्या मैसेज पहुंच रहा है, और ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बेगर्स जो भीख मांगते हैं, इसके पीछे कई सारे गलत लोग भी आ जाते हैं, जो लोगों को, बच्चों को किडनैप करने का बिजनेस करते हैं, लोगों को किडनैप करने का बिजनेस करते हैं, उसके जरिए वो गलत चीज़ें पहुँचाते हैं। तो मस्जिद एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है कि ऐसे लोग जो मस्जिद के अंदर अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को जमा करें और मस्जिद वेरीफाई करें कि कौन है सचमुच डिजर्विंग, थोड़ा सा चेक करें। ऐसे लोग होते हैं मस्जिद में, सिर्फ थोड़ा एक ऐलान करके ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मस्जिद में जब नमाज पढ़ने लोग आते हैं ना, तो सलाहियत वाले अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग सलाहियत के लोग आते हैं, वैसे लोगों को कनेक्ट करके बहुत आसानी से ये चीज कायम की जा सकती है। छोटी शुरुआत करिए, स्टेप बाय स्टेप बड़ा करिए इंशाल्लाह। कुछ लोगों की मदद करिए, कुछ लोगों को राशन पैक दीजिए, फूड पैक दीजिए, मुश्किलों में उनकी मदद करिए, अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। इरहमु मन फिल अर्थ यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक और चीज़ इमरजेंसीज में देखा गया है कि मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से काम आई है, और हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है कि कोविड के अंदर किस तरह से जब लॉकडाउन चल रहा था, मस्जिदों के अंदर नमाजें भी यहाँ तक रोक दी गई थी कई बार, तो हम देखते हैं कि ऐसी मस्जिदों में किस तरह से कोविड सेंटर्स कायम किए गए और जिसके अंदर लोगों की मदद की गई। और यही स्पिरिट है इस्लाम का कि लोगों को मदद करना और मुश्किलों में काम आना, कोई तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, तो हम यहाँ काम आए। कभी कभार क्या होता है, कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर होता है, लोगों के पास रहने की जगह नहीं होती, उनके लिए जगह जगह पे इंतजाम किया गया, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ है मस्जिद करती है, ये कि लोगों में यूनिटी पैदा करती है और यूनिटी के साथ भेदभाव खत्म करती है। क्योंकि जब कंधे से कंधा मिलाकर एक भिखारी हो या एक करोड़पति हो, दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, कोई बहुत ही नेक परहेजगार दाढ़ी वाला है या कोई कैसा भी आम आदमी है, दोनों के दोनों कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, ताकि सबके दिल में से ये ऊंच नीच भेदभाव सब खत्म हो जाए। कौम और कबीला और हमारी कौम और हम लोग, ये सबके सब कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 बार ये भेदभाव खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों के जरिए। मस्जिदों के जरिए एक और चीज आप देखोगे इस्लाम की ब्यूटी में, कि असल फोकस जो है ना काम पर है, डेकोरेशन पे नहीं है कि भाई डेकोरेशन में कौन आलीशान से आलीशान मस्जिद बनाएगा उसको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा, नहीं, इस्तेमाल की बात है, यूज की बात है। तो आप देखोगे मिसाल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उल्टा ये पेशेंगोई की, ला तकूमु सातु हत्ता यतबाहा अन्नासु फिल मसाजिद, कि कयामत तब तक नहीं आएगी यहां तक कि लोग एक दूसरे से मस्जिदों के ताल्लुक से बड़ाई मानने में ना उतर आए। बड़ाई क्यों? क्योंकि ये होगा, अरे तुम्हारी मस्जिद में ग्रेनाइट लगाए तो हम लोग ये लगाएंगे, हम लोग इससे आलीशान बनाएंगे। और ये आप चीज देखोगे मस्जिदों में आज कई जगहों पर आलीशान से आलीशान, बड़ी से बड़ी, खूबसूरत से खूबसूरत बनाने पे फोकस हो गया, अंदर काम क्या हो रहा है, अंदर से फायदा कितना पहुंचाया जा रहा है, उस पर फोकस फिर नहीं रहता है। हर चीज पे आदमी फोकस नहीं कर सकता है, तो फोकस किस चीज पे करना है, इस चीज पे नहीं करना है कि लोग आपस में एक दूसरे से बड़ाई मारने लगे, मस्जिद ऐसी ऐसी ऐसी, बल्कि ये फोकस करें कि इसमें काम क्या है। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि बाज मजहबों के अंदर उनकी जो इबादत गाहें होती है ना, सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट उसके लिए सिलेक्ट करते हैं, पहाड़ के ऊपर, दरिया के किनारे या कहीं ऐसे खूबसूरत से खूबसूरत लोकेशन। इस्लाम के अंदर नहीं, वैसे नहीं, कन्वीनियंट लोकेशन,
जहाँ से आसान हो लोगों के लिए आना, जहाँ से लोग इल्म हासिल कर सकें। उसके अंदर ये चीज़ नहीं है कि कोई बहुत ही आलिशान सी आलिशान मस्जिद में खुशू ज़्यादा आएगा, बल्कि ये है कि इसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि उनकी मस्जिद तो इतनी सादी सिंपल थी कि यहाँ तक आके बारिश जब हो जाती तो छत लीक होकर के ज़मीन, जो मिट्टी वाली ज़मीन होती उसके अंदर कीचड़ तक हो जाता था। ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद। बना सकते थे, सबके पैसों को निकलवा कर एक थोड़ी उस जमाने की आलिशान मस्जिद बना सकते थे, लेकिन उस पर फोकस ही नहीं था, बल्कि क़यामत की निशानियों में से एक बताया गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि जैसे जूज़ और क्रिश्चियंस ने अपनी इबादत गाहों को खूबसूरत बनाया, ऐसे तुम लोग भी बनाओगे क़यामत से पहले, क़यामत की निशानियों में से एक है। एक और चीज़ आप देखोगे कि मस्जिद के अंदर एतकाफ़ के लिए रहना और इबादत के लिए डेडिकेट होना। एतकाफ़ क्या होता है कि रमज़ान की आखिरी 10 नाइट्स में मुसलमानों वहाँ पे रहते हैं मस्जिद में, वहीं पे 24 घंटे रहते हैं, वहीं पे इबादत करते हैं, कट ऑफ होते हैं दुनिया से, ये भी एक चीज़ मिलती है। और एक और चीज़ देखोगे कि उसके अंदर फोकस जो होता है ना मस्जिद का, मैं बात ये थोड़ी बता रहा हूँ, बहुत से लोग जो समझते हैं वैसा नहीं है, ये मैं उनका परसेप्शन तोड़ना चाहता हूँ कि ये इबादत पर फोकस है, वर्ल्डली टॉक पर नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सयकून फी आखिरी ज़मान, आखिरी ज़माने में ऐसा होगा कि क्या होगा, कौमुन यजलिसूना फिल मसाजिद हिलाकन हिलाकन, लोग बैठेंगे मस्जिद में सर्कल सर्कल बनाकर, इमामुहुमुद दुनिया, उनका मकसद होगा दुनिया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला तुजालिसूहुम, उनके वहाँ पे तुम मत बैठना, फइन्नहु लैसा लिल्लाही फीहिम हाजतुन, क्योंकि अल्लाह को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तबरानी ने मुजमल कबीर में जमा किया, शिकलबानी ने इसे सहीहा में हसन बताया, हदीस नंबर 1163। तो यानी कि मस्जिद में कि दुनिया दुनिया नहीं है, यानी दुनिया के अंदर ये चीज से दूर किया गया, बल्कि आप देखोगे बिजनेस के अंदर ये बिजनेस से दूर रखा गया मस्जिद को। जी हाँ, बाज लोग क्या समझते हैं, जब मैं इस टॉपिक पे लेक्चर सुनता हूँ, बाज लोग बढ़ बढ़ के फिर आगे फ्लो में जाकर बोलते हैं मस्जिद में हमें लोगों को बिजनेस कनेक्शन भी कराना चाहिए। अरे भाई, मस्जिद का फोकस वो नहीं है। इज़ा रायतु मन यबीऊ और यबताऊ फिल मसाज फिल मस्जिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम देखो कि कोई बेच रहा है खरीद रहा है मस्जिद में, फकूलू, तो कह दो ला अरबह अल्लाह तिजारतक, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में तुम्हें नफा ना दे, तुम्हें प्रॉफिट ना दे, मतलब उसे ये बद्दुआ दो। यानी क्या पता चला कि मस्जिद को बिजनेस से दूर रखा गया। क्यों? अरे भाई, बिजनेस के लिए दुनिया पड़ी है, कहीं करो ना बिजनेस, पूरी दुनिया है, बाहर जाके बिजनेस करो। तुम्हें अगर मान लो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छी चीज़ है कि लोगों के बिजनेस के लिए हलाल बिजनेस का एक बॉडी हो, हाँ ट्रेड की बॉडी हो, जी हाँ, लेकिन मस्जिद नहीं। क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ के अंदर करोगे ना तो मस्जिदों को लोग क्या बना देते हैं, अगर ऐसी तालीम नहीं होती ना तो आज तक मस्जिद है ना ट्रेड का सेंटर बन चुके होते। जी हाँ, फिर क्या होता, हर चीज़ तो नहीं होती ना, जहाँ पैसा आता है ना वहाँ सब चीज़ साइड पर हट जाती है, फिर सब चीज़ मस्जिद से बाहर होती, मस्जिद ट्रेड सेंटर बन जाती थी। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लिसिटली मस्जिद को ट्रेड सेंटर बनाने से मना किया। जी हाँ, तो वैसा नहीं है। और एक ऐसी चीज़ है जहाँ पीस ऑफ माइंड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बेहतरीन जगह ज़मीन पर मस्जिद है, सबसे बेहतरीन जगह है, पीस ऑफ माइंड की जगह है, जहाँ आदमी परेशान होता है ना आज दुनिया में, जब मस्जिद में जाता है ना इत्मीनान मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, पीस ऑफ माइंड वाली जगह, एक साफ जगह, एक साफ जगह। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि बिनाइल मसाजिद फिद दूर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मस्जिदों को अपने इलाकों में मस्जिद बनाओ, अपनी एरिया एरिया में मस्जिद बनाओ, वान तुनज़्ज़फ, और उसे साफ रखो, उसे साफ रखो। और ये भी सिखाया कि यहाँ पर ना गंदगी कुछ हो, ना गलाजत हो, ये चीज़ों से बचा के रखा मस्जिद को। यहाँ तक कि कहा कि मस्जिद में आना है तो प्याज और लहसुन जो होता है, यानी गार्लिक और अनियन खाता है आदमी के मुंह में से स्मेल आती, बोले खा के मस्जिद में मत आओ। और सिखाया गया जुमा नमाज, मतलब परफ्यूम भी लगाओ, इत्र भी लगाओ, इत्र को आमतौर पर इनकरेज किया गया, यानी कि खूबसूरत, वेल, अच्छी, खूबसूरत ऐसी जगह जहाँ पर, खूबसूरत से मुराद वो नहीं आर्टिफिशियल वाली, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर साफ रखी गई हो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों को कहा गया कि भाई मिसवाक करो, तुम अपना मुंह में से स्मेल भी ना आए, जहाँ जिस्म से स्मेल आए, आओ तो नहा के आओ, जुमा नमाज की बात है, उसके अंदर उभारा गया है कि नहा के आओ, ताकि ऐसा नहीं कि सब लोग गंदा डर्टी स्मेलिंग, सब पूरा पब्लिक जमा हो गई तो स्मेल पूरी आ रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और आखिरी बात मैं कहूँगा कि मस्जिद के अंदर नमाज की तरफ बुलाने वाली जो अजान है, और वो ये है कि हैया अलस्सलाह और हैया अलल फलाह, के आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ये मस्जिद है जो पुकारती है लोगों को, आ जाओ तुम्हारी नमाज के लिए, आ जाओ असल कामयाबी जो है ना, रियल कामयाबी, उसकी तरफ आ जाओ। तो ये है मस्जिद के रोल के ताल्लुक से छोटा सा प्रेजेंटेशन। मैं चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारान हैं वो ये सब चीज़ों पे ध्यान दें, और कितना बड़ा रोल है उनके सामने, कितना बड़ा काम है उनके सामने, एक मस्जिद के जरिए पूरे इलाके के सुधार का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इस ताल्लुक से पेश किया, उम्मीद करता हूँ कि इससे फ़ायदा होगा लोगों को इंशाल्लाह।